शादी से 6 दिन पहले धोखे से मंगेतर को बुलाकर की हत्या। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कोतावली ठाकुर द्वारा इलाके के सूरजपुर नगर में रहने वाले जितिन ने अपनी होने वाली पत्नी मीनाक्षी को शादी के लिए कपड़े पसंद करने के बहाने बुलाया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शव को सड़क किनारे डालकर वह फरार हो गया। सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब शव की शिनाख्त आसपास के लोगों से कराई तो जानकारी मिली कि शव मदन लाल की बेटी मीनाक्षी का है और मीनाक्षी की 6 दिन बाद शादी है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों का अपनी बेटी का शव देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जिस घर में 6 दिन बाद शादी की शहनाई बजनी थी अब वहां पर मातम पसर गया। पुलिस ने मीनाक्षी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जब इस मामले में छानबीन शुरू की तो पता चला कि मीनाक्षी का गांव के ही रहने वाले युवक जितिन से प्रेम प्रसंग था और दोनों ही के परिजनों की रजामंदी से शादी भी तय हो गई थी। 14 जून को जितिन ने मीनाक्षी को शादी में पहनने वाली शेरवानी पसंद करने के लिए मुरादाबाद तक साथ चलने के लिए बुलाया था। परिजनों ने भी मीनाक्षी को बिना किसी झिझक के होने वाले पति जितिन के साथ मुरादाबाद जाने की इजाजत दे दी। लेकिन दोपहर में जितिन तो घर वापस आ गया लेकिन मीनाक्षी घर वापस नहीं आई। तब परिजनों ने मीनाक्षी को सभी जगह तलाश किया। इसी दौरान मीनाक्षी के पिता मदन पाल को जानकारी मिली कि उसकी बेटी मीनाक्षी का शव सड़क किनारे मिला है। शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए और शव की शिनाख्त की। मीनाक्षी के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी मीनाक्षी की हत्या जितिन ने ही की है। जितिन दहेज की ज्यादा मांग कर रहा था लेकिन मीनाक्षी उसे अपने प्रेम संबंधों का हवाला देकर मना कर रही थी लेकिन जितिन कम दहेज पर शादी करने के लिए राजी नहीं था। परिजनों का आरोप है कि बाजार ले जाने के बहाने जितिन ने मीनाक्षी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव फेंक कर फरार हो गया। लड़की की शादी थी, दहेज के चक्कर में उन्होंने डेट कर घुमा करी है। किसने? लड़के ने, उसके परिवार ने, पूरे ने, उसकी बहन भी थी, जीजा भी थे। जीजा का क्या नाम लड़की उसका? साहब मुझे जानकारी नहीं है, मैं लगन देकर आया था अभी 6 तारीख को। लगन किस टाइम लग गए थे? 6 तारीख को। 6 तारीख को? हाँ, 6 जून को। 6 जून को 20 का मंजा था। 20 का मतलब बारात आ रही थी? 20 को बारात आ रही थी, मैं चिट्ठी बांटता फिर जाता चिट्ठी। बारात कौन से गांव से आ रही थी? ये कालागढ़ से। तो फिर क्या हुआ? ये आए, लड़का ने फोन करा कि टीना है को आ जा, कपड़े तेरे लिए भी खरीदने हैं हमें और अपने लिए भी, अब कपड़े दिवा दे अपने, तू भी ले दे अपनी पर्सन के, मेरे भी ले दिया। फिर पता चला कि शाम के टाइम जब मैं नोट कर अपना चिट्ठी लेकर आया हूँ तो लड़की की डेट गांव के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। गांव से कितनी दूर? यही गांव से 100 मीटर दूर। अच्छा, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई? नहीं, मैंने आग रोक के मोटरसाइकिल देखा जी। भीड़ लग रही थी, गांव वाले कोई भी न्यूज नहीं बताने को तैयार था कि उसकी लड़की है क्या, वह है पहचानने में नहीं आ रही थी। मैं गाड़ी पे उतरा तो जब मैंने देखा तो मैंने पहचान गई कि लड़की मेरी है ये। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने प्रूफ मांगा कि क्या हुआ कि मैं चिट्ठी देता फिर मैं चिट्ठी कागज मेरे पास है। अच्छा, कागज भी देखा उन्होंने कि हाँ आप शादी की चिट्ठी बांट रहे थे। हाँ जी। अच्छा, तो फिर पुलिस को आपने जानकारी दी उसकी? हाँ, मैं कागज मेरे गाड़ी पे थे, मैंने पुलिस वहाँ पहुँची मौके पे थी मैं, पुलिस जब मैं आया था। अच्छा, पुलिस पहले से ही मौजूद थी? मौके पे थी पुलिस। अच्छा, तो वे बोल, मैंने देखी लड़की तो लड़की मेरी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला कि लड़की मेरी है, तो वे बोले कि तो तुम कहाँ थे? मैं तो काज बाहर तक जा, तो काज भी देखे उन्होंने पुलिस वालों ने। अच्छा। हाँ, कि कहाँ है काज शादी के? फिर घर आए पुलिस वाले, उन्होंने घर से पता करा, घर वालों को मेरे बच्चे को, लड़के को भी धमका रहे सबको। कौन धमका रहे थे? पुलिस वाले। अच्छा, अरे ये तुम्हारा है, तुमने मार के डाली। हाँ, तो ये डेड किसने की थी मृत्यु, मारा किसने था? मारा तो जिसने शादी, जिसके साथ शादी हो रही थी, उसके जीजा थे और उसका माँ बाप थे और वो उसका भाई था। क्या नाम था लड़के का? जितिन। और उसके बाप का? हाँ जी, ये जो मौत हुई, डेड हुई है, किसके कारण हुई है? लड़की को वो लड़का ही बैठा के ले गया जिससे उसकी शादी हो रही थी लड़की को, उसको घर से बुला फुसला के अपना ले गया है उसे, उसको जो है उसी ने मारा है, उसी ने वो कबूल कर लिया है कि मैंने मारा है इसको। बाकी और पुलिस वाले दबाव हम ही पे बना रहे हैं, घर पर परिवार वालों पे ही, उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, पुलिस को आपने जानकारी दी थी इस घटना की? हमने पुलिस को पहले जानकारी दी थी, अब नहीं दी है। बहरहाल हमें गाँव के बाहर से, गाँव वालों से पता चला है।
डेड बॉडी का चेहरा भी पहचानने नहीं आ रहा था, क्योंकि लड़की के पापा उधर से नॉर्थ इनवाइट करके आ रहे थे, उन्होंने पहचाना उसका चेहरा भी। अच्छा, मृत्यु जो हुई है, डेड जो हुई है, किस मतलब किस चीज़ से हुई है? डेड हुई है, गला घोट के मारा गया है। अच्छा, फांसी दे के गला घोट के मारा गया है। क्या नाम था लड़के का? टीना नाम था लड़की का। लड़के का क्या नाम था? लड़के का जितिन। इनसे शादी हो रही थी? शादी हो रही थी इनसे? लड़के से शादी हो रही थी, जो उसका नाम जतिन था। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र का कहना है कि मीनाक्षी के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर जितिन ने उसी लड़की की हत्या क्यों कर दी जिसके साथ 6 दिन बाद वह फेरे लेकर 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की सौगंध लेने वाला था। ये थाना क्षेत्र ठाकुर द्वारा में सुरजन नगर डिलारी मार्ग पर कल एक युवती का शव बरामद हुआ। जानकारी करने पर उसके परिजन आ गए और उनके द्वारा इस आशय का तहरीर दिया गया कि जिस युवक से इसकी शादी होने वाली थी वही युवक इसको बुला करके ले गया था कुछ खरीदारी करने के उद्देश्य से और इसी के द्वारा मार करके इसको फेंक दिया गया है। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों की शादी तय थी और किसी कारणवश नाराजगी की वजह से जितिन ने उसकी गला घोंट करके हत्या करके सड़क के किनारे उसके शव को फेंक दिया। जितिन की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक आरोपी के बीच में क्या रिलेशन था और कब शादी होने वाली थी? ये शादी अभी आगामी 20 जून को होने वाली थी और ये लोग आपस में इनकी शादी तय हो चुकी थी। अब किसी अज्ञात कारण के वजह से, जैसा कि लड़के के द्वारा बताया गया कि मतलब वो शादी नहीं करना चाहता था, पारिवारिक मजबूरी थी, क्या थी ये विवेचना का विषय है, लेकिन उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।